व्हाट्स अप एवरीवन। सो एक और दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं हूँ अभी आसवान में एंड वेट कर रहा हूँ कोई फेरी आए और मैं उस तरफ जाऊँगा कि मैं कुछ खाऊँगा। आज दिन के 2 बज चुके हैं, जैसे मैंने बताया कल मैं पहुँचा था 11 बजे तक, 1.5 घंटा में होटल मेरा, और अब मैं निकला हूँ बाहर। तो मुझे एक तो अबू सिंबल जाने के लिए भी वो करानी है कि कहते हैं अपनी कार बुक जो भी यहाँ से वो जाती है, क्योंकि वो 8 घंटे उनका आना जाना है। मॉर्निंग में 4 बजे चलती है और अभी होटल वाले ने बताया कि उसने जो मुझे रेट बताया वो है 500 इजिप्शियन पाउंड, जो हो गए 2000 इंडियन रुपये। कल तो नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, परसों अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ कहाँ कहाँ जाऊँ। तो अभी मैं टेम्पल ऑफ आइसिस वगैरह के साइड पर जाने की सोच रहा हूँ और जो भी स्ट्रीट में मिलता है कुछ खींचने के लिए वो करने की सोच रहा हूँ। तो ये जो पूरी की पूरी जो जगह है आसवान का, जो पूरा एरिया है, ये मैं बता दूँ लीबिया एंड आई थिंक एक और जगह है सोमालिया या सॉरी आई डोंट नो, एक और जगह है। तो वहाँ मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में दोबारा से वाली बात को। तो ये जो पूरा आसवान का एरिया है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, अरबी जो यहाँ पर मिलेंगे बोलने वाले, वो आपको ब्लैक मिलेंगे। तो बट यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यू है, और आप कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको वो फील आ जाएगी सीनिक व्यू की। फलूका राइड की बोट, फलूका आपको करनी है, फलूका इसको बोलते हैं जो वो खड़ी है, अगर आपको ये वो करनी है राइड तो ये भी आप कर सकते हैं। सुबह में जो एक रेट बताया उसने 150 इजिप्शियन पाउंड बताया था 1 घंटे के, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और कम करवाऊँगा। मेरा मानना है कि 100 इजिप्शियन पाउंड से कम में ही वो करूँ। और अभी होटल वाले की भी एक बोट है, वो मुझे कुछ 1-2 आइलैंड ले आने की बोल रहा था, पर 350 इजिप्शियन पाउंड मांग रहा था। तो वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे अबू सलेम सिंबल अगर जाना है और वहाँ का जितना रिव्यू आ रहे हैं तो वो कम से कम मुझे पड़ने वाला है 500 इजिप्शियन पाउंड से जाना, मतलब 2000 रुपये हो गए, और मेरे हिसाब से 2000 रुपये की 200 इजिप्शियन पाउंड एंट्री और फिर कैमरे का प्राइस अलग। तो लेट्स से कैसे वहाँ पर जाते हैं कैसे नहीं जाते, लेकिन अभी उस तरफ जाके कुछ खाएंगे खाना, फिर करेंगे इस दिन को स्टार्ट। अपनी होटल के ठीक पास में ही हूँ और मैंने एक मील ऑर्डर किया है। 3:30 बज गए, काफ़ी स्लो सर्विस थी, मैं अभी और कहीं जा नहीं पाऊँगा यहाँ के बाद। तो कि 4:30 बजे मैंने देखा है कि पिरामिड से भी एंट्री हो रही थी बंद। तो मोस्टली मैं आज सिर्फ फलूका राइड ही करूँ मैं, अभी देखते हो कि इवनिंग हो रही है तो 4:30 बजे अच्छा टाइम रहेगा। सनसेट का टाइम 5 बजे का है, तो आई थिंक 4:30 to 5:30 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द फलूका राइड। तो वही करते हैं। बाकी फूड इज़ ये चिकन एंड राइस है, उसका प्राइस आई थिंक काफ़ी रीजनेबल मतलब, लेकिन ठीक है यहाँ के हिसाब से भी 40 इजिप्शियन पाउंड और ठीक। उस तरफ मेरा होटल है हरिवर के, तो मोस्टली कल एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे भी देखना है कि अबू सलेम के लिए मैं 500 इजिप्शियन पाउंड
दे के जाऊँ, क्योंकि गूगल पे जो पड़ा है वो 500 पाउंड के आसपास का ही नज़र आ रहा है। तो वो लेट्स सी कि 500 पाउंड दे के जाऊँ या ना जाऊँ। मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ कि पीछे बहुत अच्छी रिवर का व्यू आ रहा है और बोट जा रही है, तो बस थोड़ी देर में जाते हैं बोट पे एंड आई विल शो फलू का राइड इन इजिप्ट आसवान एंड नाइल रिवर में वेरी सून। तब तक खाते हैं खाना, क्योंकि लग रही है भूख। कल रात से खाया हुआ है सिर्फ ट्रेन का सड़ा हुआ खाना जो रात को सुबह खाया था, उसके बाद ये पहला अच्छा मील है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो फाइनली आई एम गोइंग फॉर अ फलूका राइड एंड इन्होंने 150 इजिप्शियन पाउंड से स्टार्ट करा था और मैंने इनको सीधा बोला कि 80 इजिप्शियन पाउंड। इन्होंने फिर 100 वो कुछ बोले पर 80 में मान गए। अब मुझे वो लग रहा है शायद 50-60 इजिप्शियन पाउंड होते, बट आई थिंक 80 इजिप्शियन पाउंड हुए 80, तो मतलब हो गया आपके कुछ यही 300-350-400 रुपये। तो एक घंटे के उसमें ये टिप भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं लेके चल रहा हूँ 90 इजिप्शियन पाउंड। 10 पाउंड अगर मैं वो दे दूँगा टिप या 5 पाउंड वो दे दूँगा टिप, तो ये है। लेट्स सी हाउ विल बी। सनसेट होने वाला है 4:30 बजे, 5 बजे का गूगल पे टर्न दिया हुआ टाइम, तो आधे घंटे सनसेट से पहले मैंने स्टार्ट करी है एंड आधे घंटे बाद तक आई विल ट्राई। तो लेट्स डू द फलूका देन। तो गाइस मैं हूँ अभी फलूका में और ये पीछे जो ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, इसके लिए ही मैं इसमें आया था कि पानी के बीच में से इसे देख पाऊँ। तो जैसे यहाँ पर मोटर बोट्स भी है, ग्रुप बोट्स भी है, तो फलूका भी उसमें से एक तरह की एक बोट ही है जिसमें आप आ सकते हो और इस व्यू का व्यू को इंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट, कि बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा होता है, आप रिवर के बीच में होते हो एंड स्लोली इट विल मूव। सो अगर आप लाइक फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, पर मैं तो कल ही इधर आ गया तो अब क्या करें। बट बहुत ही प्यारा व्यू है एंड यू कैन इन्जॉय दिस व्यू एंड ये रिवर बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू है। लाइक मैंने इतना डार्क ब्लू पानी कहीं पर नहीं वो देखा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क करा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन किया हुआ है, एकदम स्टिल है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका वो आ रहा है। क्या कहते हैं, आई होप इसकी जो मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालूंगा जब अपलोड करूंगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएंगी मेरी एडिट के बाद। बट बहुत ही प्यारी जगह है, यू कैन सी सामने सारी की सारी फलूका सी खड़ी है। तो जैसे मैंने बताया मैंने 80 इजिप्शियन पाउंड में करी है, बट मेरे हिसाब से ये 50-60 में भी हो सकती थी, बट कोई नहीं, 150 रुपये कम से कम वो गए होंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। पर उन्होंने स्टार्ट किया था 150 पाउंड से, तो 150 से तो 80 तो बहुत ही बढ़िया है कि चलो भैया आपने एकदम ही मैंने वो कर दिया हाफ। बट इट्स रियली नाइस एंड बहुत ही अच्छा व्यू एंड आई होप आपको व्यू अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा तो फिर से देखो दोबारा अच्छे से वो करता हूँ शो।
यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इवनिंग है ये अगर मैं बोलूँ तो, मतलब बहुत ही प्यारा वेदर, बहुत ही अच्छी जगह, एकदम शांत और ना ठंड है ना ही गर्मी है, आपको एकदम सही सब वो मिलेगा, प्लीजेंट वेदर है। एंड मतलब अभी जितना मैं केओस में गीज़ा और कायरो में था उतना ही यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। स्ट्रीट यहाँ की शांत है, मैं कैमरा भी यहाँ पर काफ़ी बार रोड पे मैंने कॉन्फिडेंटली वो निकाल लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ की तरह यहाँ पर लोग है नहीं। तो बहुत ही अच्छा सा एरिया है, बहुत ही शांत सा प्यारा सा, एंड देख के भी वो लग रहा है सही सा। तो एज़ यू कैन सी कि क्या ही मतलब प्यारी सी वो है वो रिवर। व्हाट्स योर नेम? नेम इज यहया। यहया, एंड ये जो बोट चला रहे हैं हिज नेम इज यहया। सो ये ही ऑल्सो गिविंग मी इंफॉर्मेशन, एंड अभी मेरी अबू सैंबल जाने के लिए भी इनसे ही वो चल रही है बात। वो लेट से अगर अरेंज होता है तो, क्योंकि होटल वाले ने काफ़ी कॉस्टली दिया था 500 इजिप्शियन पाउंड का, अब इनको मैंने 300 इजिप्शियन पाउंड बोला है बिल्कुल हाफ में उससे। तो देखते हैं 300 इजिप्शियन पाउंड में अगर मैं पहुँच पाता हूँ तो, क्योंकि अगर 300 पहुँच, क्योंकि वो एफर्ट तो है वहाँ जाना, क्योंकि 3 घंटे यहाँ से मतलब दूर है, 3 घंटा जाना और 3 घंटा आना, तो 6 घंटे की पूरी वो है ड्राइव। तो इस 500 इजिप्शियन पाउंड इस 2000 रुपये, तो मेरे हिसाब से अगर दिल्ली में भी हूँ तो उतने कोई भी ले लेगा। बट लेट्स सी कि कितने में अपनी डील होती है। बाकी नूबियन विलेज भी है यहाँ पर वो देखने के लिए, या कोबम्बो, और कोबम्बो इडफो तो वो भी है, वो उस तरफ है। वहाँ मैं कल ट्रेन से जाने की सोच रहा हूँ, नूबियन विलेज सोच रहा हूँ शाम को आके एक बार चला जाऊँ, और परसों फिर वो करते हैं ट्राई कि वहाँ जाऊँ। क्या नाम है उसका, अबू सैंबल। तो वो लेट्स सी, बट बहुत ही प्यारी मॉर्निंग एंड वो सॉरी इवनिंग एंड बहुत ही प्यारी जगह है ये आने के लिए और बैठने के लिए। आपको मोटर बोट करनी है तो मोटर बोट कर लो, लेकिन उसमें शोर ज़्यादा होगा, शांति चाहिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। किसी के साथ हो तो और भी ज़्यादा आपको वो लगेगा अच्छा। सो ये था, इसी को इस डे को यहीं पर ही एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल इवनिंग के साथ, इस इवनिंग शॉट के साथ। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं इसमें मैं कहाँ पर चाहता हूँ। एंड आई होप आपको ब्यूटी वाइज ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि आसवान इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन इजिप्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। एकदम एंड में है, आखिरी जगह में से एक है अगर आप आ रहे हैं तो, लेकिन वर्दी टू विजिट है। लुक एट द इवनिंग अगेन। Please ask your friend that for share. Oh,